हे गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और आज की इस वीडियो में बात करने वाले एक न्यू पोकेमोन गेम के बारे में, और काफी कमाल का गेम है और काफी पॉपुलर गेम है भाई। जो पोकेमोन यूनाइट है उसमें भी इसका बैकग्राउंड वॉलपेपर आया, जो कि काफी कमाल का, यानी भाई हाई लेवल का गेम है। और हाँ, मैंने खेल के देखा, लिंक भी आपको मैं प्रोवाइड कर चुका था टेलीग्राम पर, तो अगर आपने ज्वाइन नहीं किया कर लेना। तो मैंने खेल के देखा भाई, बवाल गेम लगा, दिमाग लगाने का गेम है, स्ट्रेटेजी वाला गेम है, नो स्टोरी कुछ नहीं, ओनली दिमाग लगाना है आपको। अगर आपने कार्ड गेम खेले हैं तो ही है ये, और अगर आपको कार्ड गेम के बारे में पता नहीं है किस तरह से प्ले करना होता है तो वो भी आपको मैं बता दूंगा। पर सबसे पहले गेम तो देख लेते हैं, गेम के साइज, गेम का नाम और गेम कैसे प्ले करना है और भी काफी कुछ, जो कि इस वीडियो में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात करते हैं कार्ड्स की। तो यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप के कार्ड देखने को मिल जाएंगे पोकेमोन्स के, और उनके इवोल्व वाले वर्जन भी है, यानी अलग अलग कार्ड मिलेंगे। इवोल्व वाले वर्जन अलग है और नॉर्मल कार्ड अलग होंगे, तो उनकी रेटिंग भी आपको अलग देखने को मिल जाएगी स्टार के हिसाब से। तो आप जब खेलोगे आप समझ में आ जाएगा भाई कौन सा पावरफुल है कौन सा नहीं है। तो वो कार्ड आपको कहाँ मिलेंगे, ऐसे आपको सिखा दिया जाता है शुरुआत में, जैसे आप गेम स्टार्ट करोगे कि आपको क्या क्या करना है। तो आपको शुरुआत में तो बहुत सारे कार्ड इकट्ठे करने होंगे, उनके बाद धीरे धीरे आपकी लेवल इंक्रीज होगी और उसके बाद ही काफी सारे मोड्स अनलॉक होंगे। तो बैटल मोड के लिए 3 से 4 लेवल आपको जरूरत पड़ेगी, उसके बाद ही बैटल मोड अनलॉक होता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ कार्ड ओपन किए हैं, और कार्ड का एनिमेशन जो ओपन करने का है भाई काफी कमाल का है, आप स्क्रीन पर देख सकते हो, और इसका साउंड भी मुझे काफी बेहतर लगा है, यानी टॉप नॉच। अभी तो यहाँ पर 3 ही डिफरेंट टाइप के कार्ड्स के ऑप्शन हैं, जिसमें अलग अलग डिफरेंट टाइप के पोकेमोन हमको मिलेंगे, जैसे कि चार्जर्ड, म्यूटू एंड पिकाचू, और भी इन फ्यूचर में जरूर आएंगे, पर कौन से आएंगे पता नहीं, पर आएंगे जरूर। और मैं बता दूं, इस गेम को आप अपने फ्रेंड के साथ भी खेल सकते हो, यानी कार्ड बैटल कर सकते हो। और यहाँ पर आपको पर्सनल रूम का भी ऑप्शन मिलता है, उसके पहले आपको एक सेपरेट डेस्क तैयार करनी होगी अपनी, उसके बाद अपना पर्सनल रूम में आप बैटल कर सकते हो किसी के साथ भी, बस पासवर्ड शेयर कर देना, उसके बिना नहीं होगा। पर अगर आप सोच रहे हो जनरेट कहां से करेंगे, वहां से ही हो जाएगा, इजी है। और यहाँ पर गेम को स्टार्टिंग में आपको 15 से 20 मिनट या बोलो आधा घंटा भी देना पड़ सकता है, उसके बाद ही आपके बैटल मोड अनलॉक होगा। मुझे एक्चुअली इतना टाइम लगा है, 18 मिनट लग गए थे मुझे गेम खेलते खेलते, उसके बाद बैटल मोड अनलॉक होने के बाद मुझे हाँ लगा भाई ये गेम अच्छा है, क्योंकि काफी देर तक तो मैं टास्क कंप्लीट करता रहा, अचीवमेंट अनलॉक करता रहा और अपनी लेवल इंक्रीज करता रहा, उसके बाद मैं पहुंचा बैटल मोड के ऊपर। बैटल मोड में क्या करना है, बैटल मोड में आपको मिलेंगे ताश के पत्ते, मतलब कुछ इस टाइप का ही है, क्योंकि कार्ड गेम है तो यहाँ पर आपको नंबर्स और अपने पोकेमोन, उनके स्टार और भी काफी सारे चीजों का ध्यान रखना होता है। अब यहाँ पर आपको बैटल करने के लिए एक तो सोलो मोड मिलता है, और एक मिलता है रैंडम मैच, और एक है प्राइवेट रूम यानी प्राइवेट मैच। तो सोलो में तो मुझे कोई भी रियल प्लेयर देखने को नहीं मिला, पर हाँ रैंडम मैच में आपको रियल प्लेयर ही मिलेंगे। पर उनमें डिफरेंट क्या है, रियल प्लेयर के साथ आप जब खेलोगे आपके पास टाइमर होगा, यानी उस टाइम के अंदर आपको अपना कार्ड फेंकना होगा यानी चूज करना होगा, नहीं करोगे तो पता नहीं क्या होता है, मैंने तो अभी तक नहीं किया, एक्चुअली चूज कर लिया था और आप कर भी लेते हो, पर हाँ एक टाइम लिमिट होती है। पर हाँ अगर आप नहीं करते हो तो मुझे पता चल चुका है अब क्या होता है कि भाई सामने वाला बंदा जीत जाता है, एक्चुअली मैं नहीं आ रहा, सामने वाले बंदे ने कार्ड ही चूज नहीं किया इसलिए मैं जीत गया ये। और भाई मेरे पास जो बहुत सारे कार्ड हो चुके हैं, और यहाँ पर बहुत कमाल कमाल के कार्ड है, यानी देखने में भाई 3D लगते हैं, पूरे साइडों से आप देखते हो काफी कमाल का लुक लग रहा है, यानी जितना हेवी कार्ड उतना ही अच्छा दिखेगा और जितना नॉर्मल कार्ड उतना ही ठीक है ऐसा लगेगा। और हाँ मैं बता दूं, ये गेम मल्टीप्लेयर तो है, यानी अपने फ्रेंड के साथ खेल सकते हो पर बातें नहीं कर सकते, तो सोचना ही मत वॉइस चैट या टेक्स्ट चैट की, और पूछना भी मत। बाकी इस गेम के बारे में मुझे जो पता चला है, जो अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा कार्ड हैं तो उनको आप सेल भी कर पाओगे, यानी ट्रेड कर पाओगे, यानी किसी बंदे के पास अगर ऐसा कार्ड है जो कि उसको नहीं चाहिए और आपके पास भी ऐसा कार्ड है जो कि उसको चाहिए, तो आप एक्सचेंज कर सकते हो, बाटा सिस्टम चुना है उस वैसा ही। तो आपको मैं एक मैच करके बता देता हूँ भाई किस तरह से इसको प्ले करना है। तो चलते हैं सोलो के ऊपर, और यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, सेटअप, बैटल, बिगिनर, मतलब डिफरेंट टाइप की लेवल्स के साथ। तो हम बिगिनर में चलते हैं ताकि आपको मैं इजीली समझा भी पाऊँ। ओके, तो यहाँ पर रेड और ब्लू आ चुका है, और यहाँ पर ऐसा लगता है भाई ओरियो टॉस किया है पर नहीं, और यहाँ पर कार्ड आ चुके हैं, तो हमको चूज करना है अपना कार्ड। तो यहाँ पर अपने हिसाब से कार्ड चूज कर सकते हो, पर यहाँ पर रिकमेंड भी करता है भाई इनमें से चूज कर लो, और वो ही करना पड़ेगा ज्यादा कर तो, क्योंकि कुछ कार्ड ऐसे हैं जो कि आप चूज नहीं कर सकते इस टेबल के ऊपर जो हमने बनाई है, उनके ऊपर वो कार्ड नहीं यूज कर सकते, रूल है भाई। तो यहाँ पर आपको स्टेट बैटल करना है, यहाँ पर लिखा भी हो भाई स्टार्ट करो, और यहाँ पर आप क्या देखना है भाई आपको कि आप इजिली जीत पाओ सामने वाले प्लेयर से। और मैं बता दूं आपको पीछे वाले कार्ड भी देखने होंगे, जैसे कि अभी ये पीछे कार्ड लाएगा और, तो ये देख सकते हो यहाँ पर पीछे कार्ड आ चुके हैं, तो उनको भी ध्यान रखकर आपको अपने कार्ड चूज करने होंगे और मूव
चलाने होंगे। काफी थोड़ा दिमाग तो लगाना पड़ता है क्योंकि तभी तो ये स्ट्रेटेजी वाला गेम है। तो यहाँ पर मेरे पास देख सकते हो यहाँ पर है 20, यानी 20 में अटैक कर सकता हूँ, उसकी 20% हेल्थ या बोलो 20 पॉइंट हेल्थ कम हो जाएगी। और यहाँ पर मेरे पास हेल्थ कितनी है 60, ठीक है ना, 60। अब यहाँ पर मेरे पास पावर पॉइंट है, यानी मैं अगर मूव चलाना चाहूँ चला सकता हूँ, ठीक है। और यहाँ से अगर आप कार चूज करना चाहते हो और भी जो कि आपको करने पड़ेंगे, तो उनको कार चूज कर लेना। अभी के लिए मूव चलाना चाहूंगा, मैं कार चूज नहीं करूंगा। पर हाँ, जैसे कि ये देख सकते हो पॉकी बॉल है मेरे पास, तो पॉकी बॉल को जैसे मैं यूज करूंगा या फिर ट्रेनर्स को यूज करूंगा, एक कार्ड और आ जाएगा मेरे पास और उसको मैं यूज कर सकता हूँ। हाँ, अब इसमें यूज क्यों ना करूं मैं और क्यों करूं, तो यहाँ पर मेरे को दो बॉल चाहिए होगी, ये वाली दो बॉल चाहिए होगी, तब जाके मैं अटैक कर सकता हूँ सामने वाले अपोनेंट के ऊपर, ठीक है ना। तो मैं इसको ले लेता हूँ ताकि आपको समझा भी पाऊँ। और यहाँ पर मेरे पास और भी कार्ड है जो कि ये है ट्रेनर वाला, ठीक है, तो इसको मैं यूज कर लेता हूँ, क्या होता है आपको पता चल जाएगा। तो यहाँ पर मेरे को पास कार्ड आ चुके हैं दो, पहले एक आया था पॉकी बॉल से, पर आया है इससे दो, जो कि अच्छी बात है। तो यहाँ पर मेरे पास हेवी कार्ड आ चुका है, तो यहाँ पर मेरे को तीन पावर चाहिए होगी, तब जाके मैं 70% या बोलो 70 पॉइंट से उसकी हेल्थ डाउन कर सकता हूँ। और मेरी हेल्थ है 110, तो मैं इसको भी यूज कर लेता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर दो है, एक तो ये कार्ड है और एक ये कार्ड है, तो मैं किसको यूज करूंगा आप नीचे कमेंट करके जरूर बताना। अभी के लिए मैं इसको चूज नहीं करता हूँ, ओके। तो यहाँ पर मैं इस बॉल को, यानी यहाँ पर डिफरेंट टाइप की कलर्स में आप देखने को मिलेगी। अभी जो मैंने टेबल सेलेक्ट की है, यानी अपने पोकेमोन के कार्ड के सेलेक्ट की है, वो आपको थोड़ा शायद कंफ्यूज हो रहे होंगे, भाई क्या करना है, क्या सेलेक्ट करना है, क्या बोल रहे हो, बस गेम खेलना समझ जाओ अभी के लिए। बाकी कमेंट करके जरूर बताना अगर आपको सीखना है, तो ईजी है, ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। तो मैं इसके ऊपर रखूंगा, ठीक है ना, और जैसे इसके ऊपर रखूंगा, जैसे कि मेरे को एक ही चाहिए इसके ऊपर बॉल, एक बॉल के बाद मैं इसको यूज कर सकता हूँ। अगर मेरे को इसको पीछे लेना है कार्ड को, जो कि मैं लूंगा पर अभी नहीं, जैसे इसकी हेल्थ ज्यादा डाउन होने लगेगी तो आपको पीछे लेना होगा, ताकि ये कार्ड वेस्ट ना जाए और आप एक पॉइंट से पीछे ना हार जाओ, वो अभी बताऊंगा। तो अभी यूज करते हैं इसकी पावर, 20% हेल्थ ये डाउन कर देगा सामने वाले एनिमी की, उसकी 50 थी, कितनी रहेगी 30 रहेगी, सिंपल। ऐसे ही हमारी भी डाउन होगी, अभी अभी हमारी 60 है, वो डाउन कर पाएगा 20, तो हमारी कितनी रहेगी 40। तो ऐसे ही हमको डाउन करना है उसकी, और हमारे पास कार्ड अनलॉक होते जाएंगे और उसके भी होंगे। तो यहाँ पर ये बॉल हर बार आएगी जब भी आप कार्ड यूज करोगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैं इसको कहाँ रखूँ, ये या तो रख सकता हूँ मैं यहाँ पर, जिसको मैं इसके ऊपर चाहिए मेरे को तीन बॉल, या तो मैं रख सकता हूँ इसके ऊपर, इसके ऊपर रखूंगा तो मुझे चाहिए दो बॉल, उसके बाद मैं इसको यूज कर सकता हूँ। पर जहाँ तक अगर एक भी बॉल कम हुई तो मैं यूज नहीं कर सकता उस कार्ड को, तो मैं ये रखूंगा इसके ऊपर, दो बॉल वाले के ऊपर, ओके। तो मैं फिर से अटैक करता हूँ और उसकी 20 पॉइंट से हेल्थ डाउन हो जाएगी फिर से। अब कितनी बची, ओनली 10, और वो भी अपना मूव चुनेगा, और हमारी भी हेल्थ डाउन हो चुकी है। अब यहाँ पर मान लो मेरी हेल्थ कुछ ज्यादा ही डाउन हो जाएगी अगले अटैक में, जैसे ही मैं अटैक करूंगा उसके बाद दूसरा उसका कार्ड आएगा पीछे वाला, आगे कोई सा भी ला सकता है वो, जिसे हम अभी लाएंगे, तो ये मेरा कार्ड आउट हो जाएगा, यानी हार जाएगा भाई। तो मैं इसको पीछे लेना चाहता हूँ। अब पीछे लेने के लिए भी आपके पास एक पॉइंट तो होना ही चाहिए। अब हो सकता है काफी सारे कार्ड में दो भी हार सकता है, नीचे आप देख सकते हो, तो इसको रिटर्न करने के लिए आपके पास एक पॉइंट होना चाहिए, यानी एक कार्ड या बोलो एक पॉइंट, जो भी आप कहना चाहो। तो मैं जैसे इसको करूंगा रिटर्न, तो ये पीछे आ जाएगा। अब मैं किसको आगे लेना चाहता हूँ इसकी बदले में, तो मैं लेना चाहता हूँ इसको, ठीक है ना, इसको लेना चाहता हूँ, तो इसको करते हैं क्लिक और ये स्विच हो चुका है। अब यहाँ पर मेरे पास एक ही बॉल है, तो मैं अटैक नहीं कर सकता, ठीक है ना, पॉइंट है, जो भी कहना चाहो। तो मैं इसके ऊपर एक और पॉइंट डाल दूंगा, ठीक है। अब हमारे पास दो पॉइंट हो चुके हैं, तो मैं इसके ऊपर अटैक कर सकता हूँ, करते हैं अटैक, येलो भाई हम जीत चुके हैं ओनली एक पॉइंट से, अभी दो और बाकी है। तो उसका कार्ड आगे आ चुका है, ऐसे ही आगे पीछे होते रहते हैं कार्ड, जहां तक कोई भी बंदा तीनों मैच या बोलो तीनों पॉइंट नहीं जीत जाता। हमारी 50 हेल्थ बची है, यानी हाँ 50 हेल्थ मान सकते हो आप। तो मैं अब यूज करूंगा इसको, पर इसको यूज करने के लिए कितने चाहिए, तीन। ये बेसिक सिखा रहा हूँ मैं, एडवांस तो भाई मुझे भी नहीं आता अभी तक। बाकी हम कार्ड भी चूज कर सकते हैं, और ये है मेरे पास अभी के लिए अच्छा खासा कार्ड, तो इसको मैं यूज कर लेता हूँ। और यहाँ पर क्या आ रहा है देख सकते हो, इस कार्ड को मैं इस पर डाल सकता हूँ, तो उससे होगा क्या मुझे पता नहीं, देखते हैं। तो यहाँ पर 20 हेल्थ है इसकी और 20 ही अटैक्स है, ठीक है, यूज करते हैं इसको। और जो मेरे पास अभी कार्ड है ये वाला, इसकी 80 तो हेल्थ है और 40 अटैक है, तो करते हैं इसके ऊपर, क्या हुआ, डाउन तो हुई है
हेल्थ इसकी डाउन हुई है पर अटैक वहाँ के वही हैं, जो कि अच्छी बात भी एक तरीके से, क्योंकि आपके पास कार्ड तो पड़ा ही हुआ है पहले से, तो आप उसको यूज कर सकते हो। बहुत बढ़िया, तो हम अटैक करते हैं। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा भाई उसके पीछे कौन से कार्ड है, क्योंकि सामने वाला कार्ड जो जैसे उसके डाउन होंगी हेल्थ या फिर पॉइंट जो भी कहना चाहो, तो उसको स्विच कर सकता है कभी भी, तो आपको उसके लिए तैयार रहना पड़ेगा, यानी एडवांस में आपको दिमाग लगा के रखना पड़ेगा। तो अभी हमारे पास एक ही कम है, उसके बाद हम इसको भी यूज कर सकते हैं इस कार्ड को भी, पर अभी के लिए इसको ही। और स्विच करने के लिए यानी रिटर्न करने के लिए एक पॉइंट जरूर लगेगा, तो अभी के लिए हम अटैक करते हैं। और यहाँ पर एक बॉल डालने के बाद तीन बॉल हो चुकी है, अब इसको करेंगे हम बैक, रिटर्न करेंगे, एक पॉइंट माइनस होगा। ठीक है, किससे रिटर्न करेंगे? इससे। ओ भाई साहब, अब तो ये एक एक बार में भाई एक एक बार में खा जाएगा। और हाँ, इसमें पोकेमोन का भी होता है रोल कि कौन सा पोकेमोन किससे ज्यादा पावरफुल हो सकता है। शो में तो देखा होगा भाई कोई कोई पोकेमोन होते हैं जो कि कितना भी हेवी हो पर नॉर्मल पोकेमोन से भी हार जाते हैं, क्योंकि उनकी कमजोरी होती है वो, तो वैसा ही कुछ इसमें भी देखने को मिल सकता है। तो हम करते हैं अपने अटैक, 70 अटैक, यानी इतना परसेंट इतना पॉइंट से वो गिरा देगा, और 110 हमारी हेल्थ है, एक बार में खत्म हो जाएगा भाई, उसकी तो 20 ही है। येलो भाई मर गए, तो दो पॉइंट हमारे हो चुके हैं, एक पॉइंट अभी बाकी है जो कि इजी है हमारे लिए। तो उधर ग्रास पोकेमोन है मेरे को जहां तक पता है, और हमारे भाई कितना डैमेज दिया उसने रॉक पोकेमोन को, मैंने इतना तो शो नहीं देखा पर बहुत ज्यादा डैमेज दिया है। अब यहाँ पर अगर मैं इसको दे दूं 4 पॉइंट, उसके पहले आपको बताना चाहूंगा, जैसे कि मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो रिटर्न करने के लिए कितने पॉइंट चाहिए देख सकते हो, यहाँ पर 4 चाहिए, यहाँ पर 4 पॉइंट चाहिए रिटर्न करने के लिए, यानी अगर तुमने एक बार इसको मैच में उतार दिया इस कार्ड को या फिर इस टाइप के कार्ड को, तो आपको उसको बैक लेने के लिए भी 4 पॉइंट की जरूरत पड़ेगी, बहुत ज्यादा है। अभी तो मेरे पास 3 ही हैं जो कि काफी है एनिमी को हराने के लिए, तो यूज करते हैं। और ये लो गाइस, तो हम तीनों मैच यानी 3 पॉइंट से जीत चुके हैं, एक भी पॉइंट हारे नहीं है, और मैन ऑफ द विनर ये वाला कार्ड है। तो इस तरीके से इस गेम को प्ले कर सकते हो, अगर समझ में नहीं आए इसलिए मैंने आपको बता दिया, बाकी इससे भी थोड़ा आपको ज्यादा सीखना होगा अगर बहुत हाई लेवल का भाई प्लेयर बनना है तो इस गेम में, कि मुझे भी पता नहीं है। और हाँ, पोकेमोन की भी थोड़ी समझ होनी चाहिए कि कौन सी पोकेमोन की क्या कमजोरी होती है, और भी काफी सारी चीजें हैं जो कि अगर आप पोकेमोन के फैन हो, तगड़े वाले फैन हो, पोकेमोन के शो आपने देखे हैं, सारी सीरीज देखी है, तो हाँ शायद आपको पता होगा। बाकी बातों में अब बात करते हैं इस गेम के साइज की, गेम के नाम की, और गेम कहाँ मिलेगा। तो सबसे पहले बात करते हैं गेम के नेम की, तो गेम का नाम क्या है, गेम का नाम है TCGP, जी हाँ यही गेम का नाम है TCGP शॉर्ट में है, यानी पोकेमोन TCG पॉकेट, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। 4.7 की रेटिंग है, काफी अच्छी रेटिंग है, और 50 लाख अभी डाउनलोड हो चुके हैं जब मैं वीडियो बना रहा हूं। और बात करते हैं गेम की साइज की, तो गेम की साइज है 0.97 GB, यानी 1 GB का ये गेम है, लगता नहीं है पर हाँ है जरूर। बाकी इस गेम को अपने टेलीग्राम पर मैं डाल चुका हूं, यानी टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, और गूगल प्ले स्टोर पे आप सर्च कर देख सकते हो। बाकी आपको ये गेम कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ट्राई किया नहीं किया या फिर करने वाले हो क्या। बाकी ऐसे नई वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक करना मत भूलना।